क्वेश्चन नंबर 5, रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। रॉड है 12 सेंटीमीटर की और इस तरीके से मूव करती है कि वो हमेशा अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सवाई को टच करती रहेगी। तो डिटरमाइन करो लोग इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी ऑन द रॉड विच इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द एंड इन कॉन्टेक्ट विद द एक्सिस। सेम क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था ना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक रॉड है, रॉड की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर लेंथ है रॉड की। दो पॉइंट है ए बी और इसके ऊपर एक पी पॉइंट है जो 3 सेंटीमीटर है। किस साइड से? एक्स वाली साइड से। तो इस वाली से कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो यहां से एक परपेंड और पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो यहां से परपेंडिकुलर डालो और यहाँ से सब पेंडिकुलर डालो। ठीक है, तो मैंने बताया था ये आए मान लो पी एम, ये पी एल। ठीक है, तो ड्रॉ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ पी एम पर पेंडिकुलर ऑन ओ ए एंड पी एल पर पेंडिकुलर ऑन ओ बी। फिर लेट एंगल एम ए पी इज इक्वल टू एम ए पी इज इक्वल टू थीटा। नाउ एंगल बी पी एल इज इक्वल टू एंगल पी ए एम इज इक्वल टू थीटा। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने कराया ऐसे, है ना? ध्यान है? हाँ, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, अब देखो ये पॉइंट अगर एक्स वाई है तो यहां से यहां तक एक्स होगा, यानी ये एक्स होगा और हाइट वाई होगी। तो पहले ले लो इन ट्राइंगल बी एल पी, बी एल पी एल पी अपॉन ए बी पी बेस अपॉन एल पी बी एल पी बी एल पी एल पी अपॉन बी पी एन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो कॉस थीटा। ठीक है, तो एल पी यानी कि एक्स बाय 9 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन राइट ट्राइंगल पी एम पी एम ए, तो जो पी एम पी एम पी एम इस बार एक्स और वाई को यूज कर रहे हैं ना, एक्स वाई ऊपर रख रहे हैं, जो गिवन है वो नीचे रहते हैं। गिवन इस बार क्या है? पी ए, तो इस बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो रहा है साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो पी एम की जगह रखेंगे वाई, पी ए की जगह 3, तो y अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 2। फिर एडिंग एंड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। हमें बताना था इसका लोकस, टी का लोकस निकालो। तो विच इज एन इक्वेशन ऑफ एन लिप्स, सेट ऑफ रुको 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 एक दो सेकंड के बाद।